साथियों, बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस मूल निवासी बहुजन समाज की हक और आज़ादी के लिए अपना कुर्बान कर दिया। सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के सभी अतिथि वक्तागण, सभागार में बैठे मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, चौधरी सर के अनुसार मेरी बीडी तिवारी से आज से 1.5 साल पहले आरक्षण और प्रतिनिधित्व के ऊपर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के संदर्भ में मेरी उनसे क्लियरिटी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं चौधरी सर से इजाज़त चाहती हूँ कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इस मूल निवासी बहुजन समाज को जब तक अपना इतिहास मालूम नहीं होगा, तब तक हमें कौन सा रास्ता चुनना है। किसी ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। धोखा वही खाते हैं मेरे मूल निवासी बहुजन भाइयों जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। हमने आज तक धोखा खाया है, ये धोखा खाया हुआ समाज है। सदियों से हमें धोखा मिला है। कभी हमें धर्म के नाम पर धोखा, कभी हमें समाज के नाम पर धोखा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो स्पष्ट है कि आज की तारीख में अगर इस देश का कोई गुरु है, समाज का गुरु ब्राह्मण है, इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है, शिक्षा का गुरु ब्राह्मण है, धर्म का गुरु ब्राह्मण है और राजनीति का गुरु भी ब्राह्मण है। आज इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कब्जा करके इस मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित कर दिया। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर युग पुरुष ने 1916 से लेकर के 1956 तक 42 साल अकेले संघर्ष किए, उस वक्त बाबा साहब के पास कोई संविधान नहीं था। आज हमारे पास संविधान होने के बाद भी हमने 70 सालों में अपने जो मिले हुए हमें हक और अधिकार थे, हमने उसको गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बाबा साहब ने जो शोषित पीड़ित वर्ग को जो अधिकार दिलवाए थे, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में भारत का संविधान लिखा, 395 अनुच्छेद लिखे और 12 अनुसूचियां लिखी। 395 अनुच्छेद में 67 अनुच्छेद SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के समर्थन में है। जो अनुसूचियां 12 अनुसूचियों में अनुसूची 5 और 6 हमारे आदिवासी वर्ग के समर्थन में है। लेकिन इस जो अधिकार वंचित समाज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिलवाए थे, इन्होंने साम दाम दंड की भेद की नीति से खत्म करने का काम किया। इसलिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है कि मेरे मूल निवासी भाइयों, में आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आरक्षण का जो प्रश्न है, जो सवाल है, ये बहुत पुराना है, इतिहास है। यह 1956 की बात नहीं है। आरक्षण का जनक कौन है, इस चीज को हमें समझना होगा। 4000 साल पहले हमें आरक्षण देने वाले यही यूरेशियन ब्राह्मण थे जिन्होंने 4000 साल पहले इस मूल निवासी बहुजन समाज को 6500 से भी अधिक कामों में बांट दिया। यह मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ग नहीं था, कोई भी भेद नहीं था, कोई भी कामों का बंटवारा नहीं था। ये यूरेशिया से आए हुए विदेशियों ने इस भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था थोपी और वर्ण व्यवस्था के बाद कर्म व्यवस्था थोपी और कर्म व्यवस्था के बाद इन्होंने कर्म के आधार पर जातियां निर्माण कर दी। ब्राह्मण कहता है, मनुस्मृति के अनुसार जो 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई, मैं एविडेंस के साथ में कभी भी मंच पर जाती हूं, इसमें 2669 यानी
ढाई हजार से ऊपर इसमें श्लोक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कभी मैं यहाँ बैठे हुए, सभी मेरे साइंस के पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, यहाँ पर सभी लोग समझदार बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कभी किसी पुरुष को आपने मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो देखा? अगर कोई देखा हो तो बता दीजिए। वो भी ब्रह्मा को, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैंने तो अभी तक थूक और खकार के सिवा कुछ निकलते देखा ही नहीं। लेकिन वो कहता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, यानी एससी एसटी ओबीसी जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। इन्होंने क्या कर्म पलटा? ब्राह्मण शिक्षा देने का, पढ़ने का काम करेगा, पूजा पाठ करने का काम करेगा और दक्षिणा लेने का काम करेगा। पांचवी फेल हमारे भविष्य बताता है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, धर्म के नाम पर दान लेने का काम करेगा। क्षत्रिय जो इन्हीं में से बनाए इन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ राज करने का काम करेगा और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार करके इनको कर चुकाने का काम करेगा। और जो शूद्र है, जो एससी एसटी जो अधिकार वंचित समाज है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। ये ब्राह्मण ने आरक्षण नहीं दिया हमें। आरक्षण खत्म करने की बात कहते हो, 4000 साल पहले जो आपने मनुस्मृति के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को जो आरक्षण दिया, उसको तो खत्म कर दो। उसको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। 1956 में जो बाबा साहब ने अनुसूची 15-4-16-4 में जो शिक्षा का, समानता का जो हमें अधिकार दिया, उसको छीनने की बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र जाति के लोग ताजा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरन कपड़े पहनेंगे, मरघट के जो मुर्दे के हैं वो कपड़े पहनेंगे, ताजा भोजन नहीं करेंगे, चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, मतलब धातु के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गांव से अलग उनकी बस्तियां होंगी जहां पर सवर्णों की गंदगी बहती है, बाथरूम लेटरिंग बहती है, वहां पे हमारे घर होंगे, मरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे। क्या लिखा मनुस्मृति में? कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे बाप ने नहीं लिखी है, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? उन्होंने अपने इस धर्मशास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत रहती है। हमारी कॉलोनी में भी रहती है, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है, कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है। लेकिन शादीशुदा भी रहती हैं तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है अभी, जो दूसरा चाहिए? वो भी रहती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं। मतलब ब्राह्मण की जो सामाजिक, जो धार्मिक व्यवस्था है, समाज का गुरु ब्राह्मण, एससी एसटी ओबीसी, चमार भंगी बसोर धोबी तेली नाई काछी कुमार डोम डमार मांग महार मंगी, दुनिया भर की 6,500 से अधिक जातियों का निर्माण कर दिया। समाज को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, बटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, बटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वालों का उद्देश्य था। उनने हमें 6,500 से अधिक जातियों में बांटा, कर्म निर्धारित कर दिए। तू भंगी, तू सफाई का काम करेगा, तू चमड़े का काम करेगा, तू तेल निकालेगा, तू कपड़े धोएगा, तू खाना बनाएगा, तू मकान बनाएगा, तू बर्तन बनाएगा, तू बेल ढोर चलाएगा। जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो तेल निकालता था वो तेली, जो गंदगी साफ करता था वो भंगी। भंगी कौन है? वो हमारा समाज है, वो कोई दूसरे कहीं से आए हुए नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार ये था
कि यदि कोई ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको जाति से वंचित कर दो, उसको मृत्यु दंड देते हैं। हमारे लोगों ने यदि उनके लिए संघर्ष किया तो उनको उतने ही गंदे काम सौंपे गए और आज उनको समाज से भंग कर दिया। बहुवचन में समाज से भंग, समाज को भंगी कहा गया। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है। लेकिन आज हमारे एससी एसटी के जो लोग हैं, एससी में 275 जातियां हैं, एसटी में 750 जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में 350 से अधिक जातियां हैं। जिन्होंने ज्यादा संघर्ष करा, इनका मुकाबला किया, इनसे डरे नहीं, उनको उतने ही गंदे पैसे सौंपे गए जो अनुसूचित जाति संवैधानिक भाषा अनुसूचित जाति के नाम से जाने गए। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं कही, मतलब करी, हमारे ही लोग, और जो जंगलों की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए, और जिन्होंने ब्राह्मणों की जी हजूरी करी, गुलामी स्वीकार करी और उन्होंने कहा तुम जो करोगे हम करेंगे, वो पिछड़े वर्ग के लोग कहलाए। आज सबसे ज्यादा अगर देश में गुलाम है और अगर शूद्र जिसको नाम दिया है तो कौन है, वो पिछड़ा वर्ग का लोग। आज पिछड़े वर्ग के पीछे दुश्मन छिपा हुआ है। आज पिछड़े वर्ग के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जबकि वो हमारा बड़ा भाई है। वो नहीं जानता कि ये एससी और एसटी के लोग मेरे छोटे भाई हैं और मैं किन के कहने में ये अन्याय अत्याचार कर रहा हूं। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी से, उनके अन्याय और अत्याचारों से तंग होकर जो माइनॉरिटी के लोग कहलाए, जैसे मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, ये हमारे लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग। ये मूल निवासी बहुजन समाज 85% एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, ये हमारे वर्ग के लोग हैं। और आज जो हमारे वर्ग के लोग हैं यही अधिकार वंचित लोग हैं। आज इन अधिकार वंचित लोगों के हक और अधिकारों को खत्म करने के लिए अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति जी का जिक्र हो रहा था, रामनाथ कोविंद जी। बहुत सारे लोग मैंने पेपर में देखा रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करने के लिए दिल्ली तक पहुंचे। साथियों, मैंने पहले कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करती। रामनाथ कोविंद है कौन, ये हमें समझना होगा। रामनाथ कोविंद वही है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए थे और चुनाव हार गए थे। तब जगजीवन राम की बेटी जो मीरा कुमार है उसको भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया था। जगजीवन राम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंडाल पर पत्थर फेंकने का काम करा था। दूसरा, रामनाथ कोविंद, मैं राजनीति नहीं हूं, मैं राजनीतिक महिला नहीं हूं, ना मैं राजनीति समझती हूं, लेकिन जितना मेरा अध्ययन है और जितना मैं वाच करती हूं कि रामनाथ कोविंद वही है जिन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए, जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि रामनाथ कोविंद जी मुझे एससी एसटी ओबीसी के सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं संविधान की समीक्षा कर सकूं। रामनाथ कोविंद गुलाम जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या किया, 60 राज्यसभा सदस्यों के सिग्नेचर करके, सहमति करके अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिए कि हाँ आप संविधान की समीक्षा कीजिए। रामनाथ कोविंद ने जब यह सौंपा उसी दिन से भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, यह मुद्दा उठा। और साथियों, रामनाथ कोविंद को जो राष्ट्रपति बनाया गया ये बिना षड्यंत्र के नहीं बनाया गया, ब्राह्मण चरित्र में परिवर्तन करता है लेकिन उद्देश्य से कभी परिवर्तन नहीं करता। उनका क्या है, मैं राजनीतिक नहीं हूं लेकिन साहब राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति को जिस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो एक विचार भेजते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह विधेयक पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है कि हाँ संविधान में बदलाव होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। रामनाथ कोविंद को अनायास ही कोई दलित को, मतलब राष्ट्रपति बनाना कोई ऐसे ही नहीं बनाया है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। तो साथियों, इस तरह से जो हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम जो इन लोगों ने किया वो कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही कर दिया हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं
कि लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, वही आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। हमारी बर्बादी गुजरात से शुरू हुई गांधी के समय पर, और आज भी बर्बादी जो शुरू हुई है वो गुजरात से ही हुई है। 2000 तक नरेंद्र मोदी सामान्य था, आरएसएस का प्लानिंग देखिए। 2000 तक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, या ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सीबीआई भी होगी, सब कुछ होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं ऐसे बामसेव संगठन की कार्य करता हूं जो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं करता, बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करता। ये धोखा खाया हुआ समाज को कभी धोखा देने का काम नहीं करता, जो सच होगा वही बोलेंगे, नहीं तो समाज को धोखा नहीं देंगे। 2002 तक नरेंद्र मोदी जनरल था, और 2002 के बाद जब जाति आधारित जनगणना हुई तो नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। चाय बेचने वाला दे, कितने बैठे हैं जिन्होंने चाय पी हो मोदी की, कितने बैठे आप देखिए। जब नरेंद्र मोदी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त कंप्यूटर चलता ही नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की मार्कशीट कंप्यूटर से बनकर के आ रही है। मैं पूछती हूं, पहले बीए होता है या एमए होता है? पहले बीए होता है ना, उसके बाद ही तो एमए होगा ना, लेकिन पहले बीए एमए करा उसके बाद बीए करा, सोचिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये बिकाऊ मीडिया पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। आज हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 21 जज हैं, 21 में से 19 ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी एससी एसटी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, पूरे के पूरे सवर्ण भरे हुए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है? बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति की होली जलाई थी इसकी, 2027 में संविधान की होली जलाने का प्लान है। मैं ये आपको लिख करके देती हूं, अगर भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं बचा तो हम और आप नहीं बचेंगे, ये निश्चित मान के चलिएगा। बाबा साहब के संविधान को आरएसएस के लोग खत्म करने की पूरी प्लानिंग है, और संविधान बदलने की ये पूरी साजिश है। देखिए, ये मैं बता रही हूं, भारत का संविधान बदलने की पूरी साजिश है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जब पंडित प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव बम ब्लास्ट किया, तो उस वक्त उसका नार्को टेस्ट हुआ, एटीएस ने उसका नार्को टेस्ट किया। नार्को टेस्ट करने के बाद जब उससे एटीएस ने पूछा कि मालेगांव में तुमने जो 11 बम ब्लास्ट किए उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो नार्को टेस्ट में वो क्या बोलती है, इस पत्रिका पेपर 22 जनवरी 2009 का ये पेपर है, 22 जनवरी 2009 का पेपर पत्रिका, ये भोपाल से निकलता है, और भोपाल के पत्रिका पेपर में क्या दिया कि मालेगांव, मतलब मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में उसका बयान है कि अभिनव भारत की आड़ में हम भारत का नाम परिवर्तन करना चाहते थे। क्या नाम रखना चाहते थे, पूछा गया, आर व्रत, आर याने ब्राह्मण, क्योंकि हमारे देश में जब आर आए, हमारे देश में आर आए, हूण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब चले गए, लेकिन आर आज तक नहीं गया। आज आर जो यानी वर्तमान का जो ब्राह्मण है वही आर्य का वंशज है। तो हम आर व्रत रखना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य, भारत में जो रक्षा मंत्री पद है उसको धर्म रक्षा मंत्री के नाम पर पद रखना, नाम मतलब पद निर्माण करना चाहते थे। तीसरा उद्देश्य, भारत का झंडा परिवर्तन करना चाहते हैं, जो तिरंगा झंडा है जो बाबा साहब ने जिसका सिलेक्शन किया था उसमें वो कौन सा भगुआ झंडा रखना चाहते हैं। चौथा उनका, भारत का संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं, 4528 पेज का आर संविधान आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास लिखा हुआ रखा है। और पांचवा उद्देश्य, भारत की एक विशेष जाति से बदला लेना। भारत की विशेष जाति कौन है? अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो हम हुए, नहीं बदलना चाहते हैं तो मुस्लिम हुआ, मैंने सोचा मुस्लिम होगा, लेकिन नहीं साथियों, मुस्लिम कोई विदेश से आया हुआ नहीं है। ब्राह्मणों के अत्याचारों से दुखी होकर के ही हमारे ही लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया,
ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना करके आज मुसलमानों के विरोध में लड़वाने का काम करता है। भारतीय संविधान के इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, फिर भी हम हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू का मतलब होता है जो दीन होता है, जो दलित होता है, जो त्रस्कित होता है, जो चोर होता है, वो हिंदू। क्योंकि जब अकबर हमारे देश में आए था, जब उसने जजिया कर मांगा था और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, यहाँ के लोगों से लो ना, कहते ये तो हीन है, ये तो देते ही नहीं है, ये तो त्रस्कित लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं। तो उन्होंने हमको नाम दिया था हीन, फिर इन्होंने बाद में हिंदू। 1922 में आरएसएस के लोगों ने जो हैंड गवार, जो ढोरों का डॉक्टर है ना, आरएसएस का स्थापना करने वाला हैंड गवार जो ढोरों का डॉक्टर है, उसने 1922 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू महासभा की स्थापना करी। और उसने 1922 के बाद 1924 में उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, आर्य समाज का उसका निर्माण किया 1924 में, और 1980 में फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। चटर्जी बैनर्जी मुखर्जी नाम के तीन ब्राह्मणों ने कांग्रेस, जिसको हम आज पार्टी बोलते हैं, उसमें एक अंग्रेज भी था, 1885 में चटर्जी बैनर्जी मुखर्जी नाम के तीन ब्राह्मणों ने एक मनोरंजन क्लब बनाया। मनोरंजन क्लब बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि इसको मनोरंजन क्लब बनाने के बजाय इसको बना तो दिया, इसको कांग्रेस पार्टी बना दी जाए। अंग्रेजी शासन में कांग्रेस पार्टी बनी, बैनर्जी चटर्जी और मुखर्जी नाम के तीन ब्राह्मणों ने कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की, देश में आज कोई भी ऐसी एक पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण ठाकुर बिनिया बनिया विहीन पार्टी हो। आज एक तरफ मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया है। लड़ाई हमारी किससे है, किससे लड़ रहे हम, किससे लड़ रहे? क्योंकि मूल निवासी बनाम विदेशी, मूल निवासी बनाम विदेशी, आज कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया ना हो, इसीलिए हमारे अधिकारों को आज छीना जा रहा है। जब जब हमारे सेनापतियों का नेतृत्व भर करके आता है, तब तब हमारे सेनापतियों का शिकार होता है। संत कबीर का शिकार हुआ, संत रविदास की हत्या हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज के दाहिने अंग से उनके मतलब यानी ब्राह्मण ने, कोकोनस्त ब्राह्मण ने 500 मोहरें लेकर के दाहिने पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में सबसे पहले आरक्षण देने का काम करा कि अधिकार वंचित जो समाज है इसको मैं आरक्षण दूंगा 1901 में। 1908 में अंग्रेजों ने सोचा कि ये वाकई में अधिकार वंचित समाज है, इनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने 50% इस वंचित समाज को आरक्षण दिया, जिनको इसीलिए उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, 50% आरक्षण। 1908 में अंग्रेजों ने विचार किया और 1935 में अंग्रेजों ने इसके लिए एक कानून बनाया कि इनके लिए अधिकार मिलना चाहिए, और 1942 में बाबा साहब ने इस अधिकार वंचित समाज को हक और अधिकार के लिए आंदोलन किया, और 1930-31-32 में गोलमेज सम्मेलन में जाकर के बाबा साहब ने हमें तीन अधिकार लेकर के आए, प्रतिनिधित्व का अधिकार, दो वोट का अधिकार, प्रौढ़ता का अधिकार। इस बनिया गांधी ने 3 दिन का उपवास रहा, मतलब 1931-32 में यरवदा जेल में व्रत पर रह गया और कहने लगा, मैं दलितों के लिए जो तू अधिकार ब्रिटिश शासन से लेकर के आया है, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन तुझे अधिकार नहीं दूंगा तेरे समाज को। हम लोग कहते हैं
बेदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हरिजन कहने वाला यही गांधी है। बाबा साहब ने कभी गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे, गांधी जी कभी नहीं कहा। और किसी के लिए मैं सम्मान पूर्वक तरीके से बोलूं, जिसने मेरे समाज का सत्यानाश किया मैं उसको सम्मान दूं, ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा, किसी भी संविधान में नहीं लिखा। जो मेरे समाज की हक और अधिकारों के और उनके अधिकारों को उनको भिखारी बना करके छोड़ने वाले हैं, मैं उनको सम्मान दूं ये जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मुझे मेरे समाज के बीच में अपने हक और अधिकार की बात रखने का, अपने समाज को सोच मतलब अपने मतलब समाज को जागृत करने का अधिकार है, इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रही हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार अगर कोई राजनीतिक दल या कोई मतलब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक दल अगर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित करने का काम करता है या किसी समाज को करता है, तो हम सामाजिक समूह बना करके 1952 के अनुसार हम अपने समाज को जागृत करने का एक संगठन बना करके जागृत करने का काम कर सकते हैं। ये हमारा राइट है, किसी के बाप ने नहीं दिया हमको ये अधिकार, ये बाबा साहब ने दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार हमें समानता का अधिकार दिया, कुएं पर पानी पीने का अधिकार, नलकूप में जाने का अधिकार, कहीं पर भी जा सकते, होटलों में जा सकते, पार्कों में जा सकते, पहले हम नहीं जा सकते थे। हमारे पूर्वजों के गले में हंडी, कमर पे झाड़ू और कूल्हे पे घंटा बंधा था कि शूद्र निकल रहा है। महात्मा फूले जो माली समाज के थे, महात्मा फूले ने आज इस समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले सत्य शोधक समाज की रचना करी, स्थापना करी, और उसी के अगेंस्ट में आरएसएस ने काय की स्थापना करी, काय की आर महासभा की। इस तरह से हमारी काट के लिए काम किया गया कि अधिकार वंचितों को और अधिकार वंचित किया जाए। और साथियों, हमारे पूर्वजों के लिए ढोरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, हमें नालियां साफ करने के लिए मजबूर किया गया, इन्होंने अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था बनाने के लिए चातुर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार हो गए, चार धाम, जगन्नाथ, अमरनाथ, सोमनाथ और कौन कौन सा नाथ, एक और है बद्रीनाथ, ठीक है ना। चार वर्ण, चार धाम, चार आश्रम, चार युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये जो युग है इसको कलयुग कहा, क्योंकि मतलब सतयुग में ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था और द्वापर युग में ठाकरों को पढ़ने का अधिकार था, त्रेता युग में बनियों को अधिकार मतलब था पढ़ने का, और 1956 के बाद यानी कलयुग में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। तो ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, कलम युग, समझ गए, ये कलम युग है। और ये कलम के कसाईयों ने हमारे समाज को अधिकार वंचित किया। मेरे ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है, मैं भी जैसे वो एक लंकेश मारी गई ना, कभी भी मारी जा सकती, लेकिन मैंने मेरे मिस्टर से कह दिया है, मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल तुम्हें दिए, घर दिया, परिवार दिए, बच्चे दिए, रेलवे में नौकरी करती थी, मैंने अपनी रेलवे की नौकरी को छोड़ करके समाज के बीच में निकल गई। आज की तारीख में मेरी 35,000 सैलरी थी, लेकिन जो मेरे को खाने को देता मैं उसके घर में सूखी रोटी खा लेती, लेकिन इस समाज का मैं अंग हूं। मैंने मेरे मिस्टर से कहा कि अगर घर में रहूंगी और मरूंगी तो मरीज कहलाऊंगी, लेकिन समाज के लिए काम करते हुए मरूंगी तो शहीद कहलाऊंगी। आज समाज के लिए काम करने का, समाज को ये अधिकार वंचित समाज को जागरूक करने का मैं काम करती हूं। अभी आपने देखा होगा आदिवासियों ने, हमारा आदिवासी समाज ने रावण दहन के पुतले का विरोध किया, एक भी सपोला बाहर निकला, देखा आपने, चुटैया वाला निकला बाहर, नहीं निकला। रावण का दहन क्यों, जब रावण के दहन के लिए जब पूरे भारत में आवेदन लग गए तो एक भी सांप बाहर नहीं निकला कि नहीं रावण का दहन क्यों नहीं करने दोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रावण के दहन पर अगर हमने प्रतिबंध लगा मतलब उसको खोलने की बात करी तो मैं भी कमजोर नहीं हूं,
मेरा सवाल पहले से ही मैंने तैयार करके रखे। मैंने सभी संगठनों को लिख करके दे दिया कि अगर आपके ऊपर कोई डबल FIR करता है कि रावण के दहन होना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले उससे पूछना कि अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है, तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया, यह मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं। राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। कृष्ण, अब आप सोचते होंगे कृष्ण और राधा का संबंध क्या है। राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंग रलिया मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा, उसका भी दहन होना चाहिए। इसी तरह भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पिता ने अंबा, अंबे, अंबालिका का अपहरण किया, तीन लड़कियों का अपहरण किया, अंबे, अंबा, अंबालिका, उनका भी, उसका भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे क्योंकि वो अनार था, वो हमारा मूल निवासी राजा था, उसको कहते हैं ब्राह्मण है। वाल्मीकि जो को कहते हैं ब्राह्मण है, आज हमारा जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो सोचता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। अगर रामायण लिखी तो सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 58 में यह क्यों लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, क्यों लिखा, ये लिखा है। ब्राह्मण जितने भी हमारे देश में आक्रांता आए, सबने भाषा के नाम पर बेवकूफ बनाया। आर्यों ने संस्कृत के नाम पर, आर आए, हुण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब तो हमें बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था, इसमें दूध की नदियां बहती थीं। इस दोस्त देश को लूटने वाले यही है। चार वर्ण बनाए, चार धाम बनाए, चार यज्ञ बनाए। यज्ञ कौन से थे मालूम है आपको? यज्ञों के नाम पर नरबलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जाती थी, यज्ञों के नाम पर गौ की बलि दी जाती थी, वो उन्होंने नरबलि, गौ बलि, अशुभ बलि, राम ने किया ना अशुभ मेघ यज्ञ, सुना है ना, अशुभ मेघ यज्ञ, नरबलि, पशु बलि, अशुभ बलि और कन्या बलि, ये बलियां दी जाती थी। बलि के नाम पर मांस भक्षण करना और सोमरस पीना, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, ऋग्वेद में ब्रह्मा कहता है, हे ब्रह्माणी, तो मुझे गौ का मांस इतना खिलाती हो कि मैं खा खा के सांड जैसा हो गया, ऋग्वेद में लिखा। मैंने नहीं लिखा ऋग्वेद, पढ़ लो, चैलेंज करना है तो पढ़ लो उठा करके। धर्मशास्त्रों को आस्था के नाम पर मत पढ़ो, परखने के नाम पर पढ़ो। अगर वाकई में समाज के शुभ चिंतक हो तो वैज्ञानिक तौर पर उसको समझना सीखो। हनुमान ने सूरज निकल लिया, 54 पे तो यहाँ आदमी मरने लगते हैं, 2.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, कैसे निकल लिया। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कैसे निकल लिया। कपोल कथाएं लिख लिख करके इस मासूम, बेबस, मजबूर समाज को गुमराह करने का काम किया। साथियों, समय की पर्ची आ गई है, लेकिन मैं आरक्षण का इतिहास इसलिए बताया कि आरक्षण खत्म करना है तो जो 4000 पहले आपने इन समार भंगी बसोर धोबी तेली नाई बनाया, क्योंकि 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ वहां पर आरक्षण का आधार तय किया गया था। वो आरक्षण का आधार था कि जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जब तक
समानता में नहीं आ जाता तब तक देश में से आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था और राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 340 के तहत जो दिया था कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए है, वो ऐसा कि यदि मान लो ये समाज जो है अपने देश का मतलब अपने लोगों का जो अपने लोग हैं जिस समाज का है, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो या OBC का हो, इसको जैसे बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिया था ना, इसी तरह उन्होंने गांधी ने छीना। तो यह जो मतलब राजनीतिक आरक्षण था ये 10 साल के लिए था कि जाकर के अब तुम जाकर के संसद में अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ना, अगर तुम्हें समाज पसंद करेगी तो 5 साल के लिए फिर तुम्हें टिकट देगा, तो 10 साल के लिए था। और 10 साल के बाद अगर तुम सही काम करते हो तो तुम्हें मौका दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई जाएगा और वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। आज राजनीतिक आरक्षण को हमारे जो लोग हैं, BD तिवारी जो ब्राह्मण जाति से है, उसने 10 साल का जो आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व में जोड़ दिया, यानी सामाजिक आरक्षण में जोड़ दिया। और इस तरह से आज हमारे लोग डर गए कि ये कांग्रेस और BJP की बदौलत आज हमारा आरक्षण जिंदा है। पहले संविधान को पढ़ तो लो, हमारे घरों में रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगी, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, ब्रह्मोत्तर पुराण मिलेगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो संविधान। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, अपने अपने हाथ ऊपर करके बोलो कि किस किस के घर में संविधान है। 10% भी नहीं है, 10% लोगों के घरों में संविधान नहीं है, जो हमें गुलामी से आजादी की तरफ लेकर के आया और हमारे पास गुलामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूं, मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए, क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में। समझने वाली बात है, नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में, तो एंटीना वालों के मकान में, उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहां फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहां फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहां फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है, अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूरतों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात नहीं पाओगे। इसलिए बुद्धि की शरण में आओ, देखो समाज को, पढ़ो, नजदीक जाओ, दूर से मत पढ़ो कि हम TV पे देख रहे हैं, जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ। इसी समाज की बदौलत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं मिला कि तुमने MSc कर लिया, BSc कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया। जब जाति आधारित की सूची बनी, अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, एक अनुक्रमांकिका है, सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इन मनुवादियों ने अनुसूचीबद्ध लोगों को अनुसूचित जाति का कह दिया, और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। क्या लिखा है? जाति प्रमाण पत्र। यहां पर हाई कोर्ट के जज साहब बैठे, क्या वो भारत में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, क्या वो संवैधानिक है? नहीं है। बाबा साहब ने जाति का उल्लेख संविधान में नहीं है, धर्म का उल्लेख नहीं है, बाबा साहब ने सिर्फ वर्ग का उल्लेख किया। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम किया, प्रमाणित किया जाता है कि फला फला बल्द फलाना ये इस जाति से है और इसका धर्म हिंदू है, जबकि जाति का उल्लेख नहीं है। अगर लिखना है तो वर्ग लिखना चाहिए, क्योंकि जातियां 1075 को चिन्हित सूचीबद्ध किया गया था। SC वर्ग का चमार, भंगी, बसोर, धोबी, तेली, मतलब धोबी, बसोर, हम सब एक ही तो हैं। लेकिन जाति का उल्लेख कर करके आज हम 6,500 जो जातियों के लोग हैं, आज एक एक जाति के 4,000 संगठन बने, 70,000 संगठन देश में बने हैं। लेकिन 70,000 संगठन देश को जागृत करने का काम नहीं करते, बल्कि बाबा साहब और महात्मा फूले की फोटो लगा करके पंडित जवाहरलाल रोजगार योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं।
समाज को जागृत करने का काम बेसिक जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन बेस है, कैडर नहीं है। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता, कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। जब उसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं है तो मारे किसको? हाथ पे पट्टी बांध के बंदूक चला रहा है, पता चला हमारी भाई मारा जा रहा है। तो साथियों, समय मैंने बहुत सारा लिया है, बहुत बोलना मेरे को बहुत कुछ है। आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, हाथी बहुत से खड़े खड़े देख रहे थे कि इस जंगल की आग में बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु जल जल के मर रहे हैं। हाथी खड़े देख रहे थे, एक चिड़िया थी वो बेचैन होकर के इधर उधर घूम रही थी और अपनी छोटी सी चोंच में से पानी ला करके उस जंगल की आग पर डालने का काम कर रही थी। जब जंगल की आग पर डालने का काम कर रही थी तो जो उसके बड़े भाई हाथी लोग थे वो बड़े हंस रहे थे, कह रहे थे क्यों रे, तेरी इस छोटी सी चोंच की आग से इस जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया बोलती है, मेरे भैया, जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में जरूर शामिल किया जाएगा। साथियों, मेरा जीवन का उद्देश्य यह है और आपके लिए मैं आखिरी संदेश देती हूं कि एक जगह बंदरों का सम्मेलन हुआ, एक जगह बंदरों का सम्मेलन हुआ। बंदरों ने सोचा हमें भी इंसान बनने का अधिकार है, हम क्यों इनकी इतनी अत्याचारी है, मदारी, हमें जब देखो हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारता रहता, हमें बीच रोड पर नचाता रहता। हम भी लोगों को इकट्ठा करके समाज को जागृत करने का, अपनी अपने जो हमारे लोग हैं उनको जागृत करने का, बंदरों को जागृत करने का काम करते हैं। और जागृत करते करते उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया, बहुत सारे बंदरों को बुलाया, बहुत सारे बंदर आए। कुछ लोग कहते फालतू का काम है, ये सम्मेलन करने से क्या होगा, क्या हमारा भला हो जाएगा? कुछ लोग बैठे रहे, कुछ लोग सुन करके चले गए, कुछ उसका बहिष्कार करके चले गए, कुछ आए कुछ नहीं आए। कुछ समय बाद जो सम्मेलन में शामिल थे उन लोगों को उन्होंने, उस बंदरों ने देखा जो उठकर चले गए थे, उनकी पीढ़ियां थीं, वो देख रहे हैं कि वो उनकी पीढ़ी के जो उठ के चले गए थे उसके जो परिवार के बंदर बंदरियां थे उसको एक मदारी फिर से डमरू लेकर के लकड़ी गले में बांध करके और उस बंदर बंदरिया के पिछवाड़े पर लात पीछे से मारने का काम कर रहा था। वो बंदरिया नाचती थी, वो बंदर नाचता था और आंसू बहाने का काम करता था। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो रो रही थी और वो बुदबुदा भी रहे थे, वो और रो के बुदबुदा रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो बंदर बंदरिया ऐसा लग रहा था कि वो किसी को गाली दे रहे थे, वो किसको गाली दे रहे थे, मेरा सवाल है आप लोगों के बीच में, किसको गाली दे रहे थे? हाँ, अपने पूर्वजों को। कि उस दिन जो सम्मेलन हो रहा था, अगर उस सम्मेलन में हम सहभागी हो जाते तो आज हम बंदर बंदरिया बन के नाचते नहीं, बल्कि हम भी इंसानों की श्रेणी में होते। मेरे साथियों, ये आंदोलन है, ये समाज को जागृत करने का आंदोलन है। इस आंदोलन से जुड़े और अपने समाज को, जो सामाजिक आंदोलन, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ में उठ करके खड़े हो जाइए। ऐसी मैं आपसे मेरी गुजारिश है। मैंने अनुशासनहीनता भंग करी है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, आयोजकों से भी क्षमा चाहती हूँ कि मैं जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती, मैंने साहब से 3 घंटा मांगा था, सर ने मुझे आधा घंटा दिया, पर मैं आगे से जब भी मुझे बुलाया जाए तो कम से कम मुझे 3 घंटे बोलने के लिए, मेरे समाज को जागृत करने के लिए दी जाए। ऐसी मैं यहाँ से विनती करती हूँ, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना समझा। और हाई कोर्ट के जज साहब को ईवीएम के विषय में मैं बताना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का डिसीजन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आदेश होता है कि ईवीएम विदाउट पेपर ट्रेल चुनाव ना करवाए जाएं। 2014 में जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने नाजायज तरीके से चुनाव करके नाजायज सरकार केंद्र में बिठाई। अगर चुनाव नाजायज है तो प्रधानमंत्री जायज कैसे हो सकता है, वो भी नाजायज है। अगर वो नाजायज है तो ये सरकार नाजायज है, और ये नाजायज लोग आज हमारे समाज को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी फोटोकॉपी करा के अपने जज साहब को दूंगी ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करे। बालसुब्रमण्यम स्वामी, प्रकाश करात, अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे 10-12 नेताओं ने मतलब हाई कोर्ट में यानी अपील करी थी 2009 में, 2011 में, 2013 को डिसीजन आया, फिर भी इन्होंने नाजायज तरीके से 2014 को चुनाव लड़वाया और नाजायज सरकार पूरे देश में बनाई।
ऐसी नाजायज सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हमारा और आपका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस मूल निवासी बहुजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।